चांदी की प्लेट, चांदी की थाली, सोने का कटोरा, केत की गायकवाड़ का बेटा होगा बहुत बड़ा चटोरा। Thank you.
सीन में केतकी की गोद भराई हो रही है. बहुत स्पेशल मौका है पूरे गायकवाड़ परिवार के लिए. और जबकि हमको लगता है कि ये अभी भी बच्ची है, खास करके कल्याणी को लगता है कि ये बच्ची है, पर बच्ची का बच्चा हो रहा है. बहुत सारी ट्रेजेडी के बाद फाइनली हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, खुशी आ रही है, तो सब बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है. मुझे नहीं देखना है कैमरा में, सॉरी. हाँ, और क्योंकि इसके पहले हमने हमारा जो छोटा भाई था कनिष्क, उसे खो दिया था, तो ऑब्वियसली सारे फैमिली को लगता है कि कनिष्क वापस आ रहा है. सो इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस. और हम नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं. और हम लोगों के बीच में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज चल रही थी, तो अब वो अभी अभी सॉर्ट हुई हैं. और अभी हम न्यू फाउंड एक्साइटमेंट आता है ना जब दोस्ती बन जाती है, तो वो हो रहा है. तो कहीं इस नए मेहमान की आने की वजह से दोस्ती तो नहीं कहीं बन रही है आप लोगों में? थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उसके पहले खूब सारी टशन चल रही थी और बहसबाजी चल रही थी. और अभी जैसे खबर मिलती है कि बच्चा आएगा और यू नो ये माँ बनने वाली है, तो सब लोग थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू में कर रहे हैं और खुशी के माहौल को बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बट अच्छा लगा. आज का शूटिंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. डांसिंग 4 times in a row to a 3-minute song. क्योंकि हम कोरियोग्राफर भी खुद बने थे. तो वी डिडंट हैव अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर ऑन द सेट. करेक्ट. सो वी हैड टू बिकम आवर ओन कोरियोग्राफर्स. असली ड्रामा तो कैमरा के पीछे होता है. So true. तो तू बताएगी? नहीं नहीं. अरे come on. बस कहानियाँ ही कहानियाँ. कुछ तो राज स्पर्श करो. कौन सा सबसे सुधरा हुआ अच्छा राज है जो मैं दे सकती हूँ आपको? शादी के बारे में बोलूँगी मैं तो. खाना खिलाती हूँ तुझको हमेशा, मेरे को भूखी बोलती है. वो मेरे लिए शायद एक्स्ट्रा खाना लेके रख रखती है. आजकल इनके एक बॉय हम लोगों के लिए लंच हमेशा बनाते हैं और डिनर, तो सब लोग इनके रूम में ही बैठे रहते हैं हमेशा लंच में. हाँ, चलता रहता है. ये तो सीन की बात है. अगर हम आपकी पर्सनल बात करें तो जैसे अमृता के साथ आप शूट कर रही हैं, तो क्या फील, मतलब कैसा लग रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आता है इसके साथ. मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही फनी है. कुछ ज़्यादा ही फनी है, मतलब सीरियस सीन के बीच में भी इसका दिमाग चलता रहता है जोक्स ये तरह. बहुत शांत रहती हैं. किसने कहा ये? किसने ये बोला? इसको आप लोग जानते नहीं हो. सब प्यार बहुत तगड़ा है, बिल्कुल शांत नहीं है ये, बिल्कुल एक पीसफुल नहीं है. मतलब कितने डांस सीखा आपने? कि जैसे अमृता तो ऐसे ही वो मूवीज में डांस बहुत अच्छा डांस करती है. हाँ हाँ, मगर वहाँ कोरियोग्राफर होता है. हाँ. या हम खुद कोरियोग्राफर बने थे, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा कैजुअल था कि कोरियोग्राफर की ज़रूरत नहीं थी. यू नो बहुत छोटा सा सीक्वेंस था और उसमें एक डायरेक्टर को एक कैजुअलनेस चाहिए थी. कि इम्प्रॉम्प्टूनेस चाहिए थी. फैमिली ने अभी शुरू कर कि हमें भी पता नहीं कि अगला स्टेप क्या होगा, हम किसको पुल करेंगे, खींचेंगे हमारे साथ नाचने को. तो उस इम्प्रॉम्प्टूनेस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कोरियोग्राफर नहीं चुना. करेक्ट. लेकिन हम लोगों ने काफ़ी डिसेंट जॉब किया है आई थिंक. है ना जी. या इनको देखना चाहिए था. मैं तो बहुत रिलैक्स कर रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं शूट करना है, मुझे बस बैठ के प्रेग्नेंट होना है. लेकिन मैडम मैं तो बहुत मैडम तो टेक के बीच में लाइक ओह माय गॉड आई एम सो ग्लैड आई एम नॉट डूइंग दैट. मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी मिला है. एंड छोटी सी सेरेमनी थी, वापस मैं नेक्स्ट डे शूटिंग के लिए भी आ गई. सो इट आई थिंक फॉर मी द रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. रिवाज, रीत रिवाज इज़ अ गुड थिंग, बट
to find a good life partner is the best thing. We are all very happy for her. Thank you.